एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ ठीक आ रही है? चलिए, सब कुछ ठीक है। कल हम लोगों ने 35 सवाल तक डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलिए, सुप्रभात सूरज जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुमित जी प्रणाम, कैसे हैं? चलिए, पहला सवाल देखेंगे हम लोग। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेबिल तुली या टिली कैटल? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? टिली कैटल। क्या हो जाएगा? टिली कैटल। ये कंपनी शैली का चित्रकार था, ठीक है ना? ये कहाँ का? इंग्लैंड का रहने वाला था, और ये जो है 1735 में इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और इसकी मृत्यु हुई है 1786 में, ठीक है ना? ये 1769 ईस्वी में भारत आया था, और यहाँ रह करके इसने व्यक्ति चित्र में बहुत ही बेहतर काम किया। किसमें? व्यक्ति चित्र बनाने में बहुत ही माहिर था ये। हाँ, व्यक्ति चित्र बनाने में बहुत ही माहिर था। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार है? यशजी श्री खंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल या मदन लाल नागर? इनमें से कौन मूर्तिकार है? इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो यशजी श्रीखंडे जो हैं, ये बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, लखनऊ से इनका संबंध है। आसित कुमार हालदार के शिष्य रहे हैं। इनका जन्म हुआ है 1934 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई है 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना? इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो क्या है? बनारस, बनारस इनकी। इसके अलावा संगीतज्ञों की टोली, संगीतज्ञों की टोली, यह भी इनका एक प्रसिद्ध कृति है। हे राम, इसको इन्होंने कांस माध्यम में बनाया है। हे राम, यह भी इनका एक महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र या जंगली चित्र? पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र या जंगली चित्र? हाँ, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा साथ में? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग के अंतर्गत, राजपूत पेंटिंग के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी दोनों चित्रों को रखा था, राजस्थानी एवं पहाड़ी दोनों चित्रों को रखा था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजपूत चित्र। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राजपूत चित्र। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह नहीं है? इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह नहीं है? द्वितीयक रंग समूह का नहीं है। बैगनी, नारंगी, पीला, हरा, कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? तो पीला क्या है साथियों? ये प्राथमिक रंग। पीला क्या है? प्राथमिक रंग है, तो ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला एवं नीला, ये क्या है? ये प्राथमिक रंग है। कुछ दशाओं में हरा को भी जो है प्राथमिक रंग में रखा जाता है, लेकिन सभी दशाओं में नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, अ ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? बीपी सिंह की, सतीश गुजराल की, टी बैकुंठम की या जोगेन चौधरी की? अ ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? अ ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? हाँ, किसकी है? सतीश गुजराल की है। किसकी है? सतीश गुजराल की है। सतीश गुजराल का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, कहाँ पर? झेलम, पंजाब में। ये एरिया वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में आता है। मृत्यु इनकी 2020 में हुई है, कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है, ठीक है ना? सतीश गुजराल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी आत्मकथा के आधार पर इस पर एक फिल्म बनाई थी सुजाता कुलश्रेष्ठ ने। किसने? सुजाता कुलश्रेष्ठ ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, कब? 2012 ईस्वी में, ठीक है ना? 2012 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, भारत में मध्य पाषाण काल डाट 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 तक माना जाता है। 2000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व? मध्य पाषाण काल तक माना जाता है।
तो साथियों, जो कालों का विभाजन हुआ है वो अलग अलग इतिहासकारों के मुताबिक अलग अलग मत है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल माना जाता है, लेकिन इस सवाल का उत्तर आयोग ने 6000 ईसा पूर्व माना है। इस टाइमलाइन को भी कई इतिहासकारों ने लिखा है और आयोग ने भी इसी को ही सही माना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों हम लोग। अगला सवाल है हमारा, 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही डाट 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 के उद्भव को मानते हैं, बसोहली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली या राजपूत शैली। 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही डाट 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 के उद्भव को मानते हैं, हाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बसोहली शैली। बसोहली शैली गीत गोविंद किसकी रचना है साथियों? गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। किसकी? जयदेव की रचना। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम लोग। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जय धवल, महाधवल, पाद ताड़ी तिकम, अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जय धवल, महाधवल, पाद ताड़ितम, अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता। हाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता क्या है? पाल शैली में चित्रित ग्रंथ है, ठीक है ना, प्रज्ञा पारमिता। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? पल्लव, चालुक्य, सातवाहन या राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफा किसने बनाई? एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? हाँ तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण हुआ है साथियों, वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी के बीच में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका संबंध जो है हिंदू धर्म से है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, इसका संबंध जैन धर्म से है, ठीक है ना। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है। कुल 34 गुफाएं हैं, जानते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45, किस कलाकार ने भारत माता नामक चरित्र का सृजन किया? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बावा, आसित सेन। किस कलाकार ने भारत माता नामक चरित्र का सृजन किया?
किस कलाकार ने भारत माता नामक चरित्र का सृजन किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन ने प्रकाश के सात रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में? न्यूटन ने प्रकाश के सात रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये 1660 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़, चंबा, मेवाड़ या जयपुर? मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली के थे। किसके थे? मेवाड़ शैली के थे मनोहर, मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो क्या है? रामायण। रामायण, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण कृति इनकी क्या है? रामायण। वर्तमान में ये कहाँ पर संग्रहित है? ये सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ पर है? शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में। कहाँ पर? शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक या असद अली? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक भौमिक। तो इस किताब में जो है हुसैन के चित्रों के बारे में, उनके सामने जो चित्रों को बनाने से लेकर के समस्याएं, विवाद खड़ा हुआ, उसके बारे में ये किताब है। अशोक अशोक भौमिक की एक और महत्वपूर्ण किताब है मोनालिसा हंस रही थी। मोनालिसा हंस रही थी, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। मोनालिसा हंस रही थी, ये पुस्तक भी किसका है? अशोक भौमिक का है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग, सारनाथ स्तंभ में, सारनाथ स्तंभ में बने चार पशुओं के नाम हैं, घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, गज, भालू, शेर, ऊंट, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर, गज, मृग, बाघ, वृषभ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी वृषभ गज घोड़ा और शेर, ठीक है ना, वृषभ गज घोड़ा और शेर, जिसमें गज जो है, गज मतलब क्या होता है, हाथी, गज जो है वो किसमें है, पूर्व दिशा में है, गज पूर्व दिशा में है, वृषभ जो है वो पश्चिम दिशा में है, वृषभ पश्चिम दिशा में है, सिंह जो है, शेर जो है वो उत्तर दिशा में है, और घोड़ा जो है वो दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? तीन संगीतज्ञ, गवर्निका, लिस्ट डेमाइसलेस की, डी अविग्नान, या पाइप पीता हुआ लड़का। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीन संगीतज्ञ, ठीक है ना, तीन संगीतज्ञ, और इस चित्र को बनाया था 1921 ईस्वी में, इसमें 1921 ईस्वी में इस चित्र को बनाया था। वर्तमान में ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली या मधुबनी शैली? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का। हुलास लाल किस शैली का चित्रकार था? कंपनी शैली का चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे। अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल कौन थे? ओपेरा गायक थे, कला इतिहासकार थे, पियानो वादक थे, या यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार थे? अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल कौन थे? हाँ, क्या थे? कला इतिहासकार थे। अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल कला इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 53। बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला, चित्रशाला? बाघ की पांचवी गुफा का नाम है, बाघ की पांचवी गुफा का नाम है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाठशाला। बाघ की पांचवी गुफा को क्या कहा जाता है? पाठशाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। पंचमढ़ी की गुफाएं डॉट 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 जुड़ी हैं राम से, शिव से, बुद्ध से या पांडव से? पंचमढ़ी की गुफाएं जुड़ी हुई हैं।
पंचमढ़ी की गुफाएं जुड़ी हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांडव। ऐसी मान्यता है कि जब पांडवों को वनवास मिला था तो वो इसी क्षेत्र में आकर के इन गुफाओं में रुके थे, और वो चूंकि पांच थे इसीलिए इस क्षेत्र को पंचमढ़ी कहा जाता है। तो इसका संबंध जो है किससे है? पांडवों से। 55। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या दारा शिकोह? किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला में ज्यादा थी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 56। बादामी गुफा चित्र की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? नंदलाल बोस, आसित कुमार हालदार, क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार, जे एम अहिवासी, जगदीश मुरलीधर अहिवासी? जगदीश नहीं, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जगदीश नहीं, जगन्नाथ। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है यह कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश? कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, इसका संबंध कहाँ से है? सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? कांथा टेक्सटाइल का संबंध कहाँ से है? बंगाल से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंगाल। आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है वर्ण, आकार, रेखा या पोत? किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है क्या हो जाएगा? पोत हो जाएगा, पोत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। पक्षियों का चित्र किसे कहा जाता है? पक्षियों का चित्र नहीं, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? चितेरा, चित्र नहीं, चितेरा। राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवकी नंदन शर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवकी नंदन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग। महात्मा गांधी संस्थान मॉरीशस में किस महात्मा गांधी संस्थान में हाँ महात्मा गांधी संस्थान मॉरीशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे? सतीश गुजराल, सैयद हैदर रजा, परेश मैती या मनु पारेख? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने म्यूरल बनाए थे। म्यूरल का मतलब क्या होता है?
भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 61, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? सोलंकी, चोल, मौर्य या चालुक्य? तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल राजाओं के संरक्षण में, चोल राजाओं के संरक्षण में ये फली फूली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? पंचमढ़ी, बिल्ला सरंगम, बेल्लारी या हरनी हरन? गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन हाँ, ये हरनी हरन से प्राप्त होता है। और इसकी खोज किसने की थी? काकबर्न ने इसकी खोज की थी, काकबर्न ने इसकी खोज की थी 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? रामकुमार, बेंद्रे, कुलकर्णी या गुजराल? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना दिल्ली स्थित मंडी हाउस में 1948 ईस्वी में के एस कुलकर्णी ने किया था। किसने? के एस कुलकर्णी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 64, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या सभी का मिश्रण है? सित्तनवासल गुफा का संबंध किस धर्म से है? सित्तनवासल गुफा का संबंध किस धर्म से है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 65, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मैसूर, मदुरै, हलीबिडु या ऐहोल? ये सवाल हमारे प्रतिभा सम्मान वाले टेस्ट में आया था, कई लोगों ने गलत कर दिया था। बहुत आसान सवाल था, कई बार हमने कराया है। किस शहर में 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में है। माता लक्ष्मी को समर्पित है। पांड राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। किसने? पांड राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। द्रविड़ शैली में ये बना है, द्रविड़ शैली में ये बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। विबान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ोदरा,
दृश्य कला संकाय मिदनापुर। सिक्सटी सिक्स का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ललित कला संकाय MSU बड़ोदरा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर या कोच्चि? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में बना है, लखनऊ के रविंद्रालय में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? मोने, मिले, शेजा या रैफेल? स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉल सेजान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पॉल सेजान। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? जामिनी राय, रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या विनोद बिहारी मुखर्जी? बीबीएम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। जोगी मारा की गुफाओं डॉट 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 में स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? जोगी मारा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो ये थे साथियों आज के सवाल। 70 सवाल हमने कर लिए। अभी इसमें कितने सवाल बचे हैं? 30 इधर और 25 उधर, 55 सवाल और बचे हैं। कल हम लोग कर लेंगे तो हमारा 2021 का जो है ये पेपर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे रिपीटेड सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल आएंगे भी। बाकी जो अगला प्रतिभा सम्मान कला टेस्ट है साथियों, वो कब होगा? 7 अप्रैल को टेस्ट होगा। 7 अप्रैल को दोबारा टेस्ट होगा और टेस्ट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब से इसका रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ है, मतलब पहले से ही प्रारंभ है। रजिस्ट्रेशन पहले से ही प्रारंभ है, 100 रुपये उसकी फीस है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है ना। बाकी शाम को 5 बजे लाइव GS की क्लास होती है हमारे दूसरे चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? अम्बरीश क्लासेस। क्या है? अम्बरीश क्लासेस वाले चैनल पर शाम को 5 बजे GS की जो है क्लास होती है। तो आपको उस चैनल पर आना है। इस समय हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक। मिलते हैं अगली